वेलकम टू टेली टॉकीज दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर फटा साई केतन राव। सई ने तोड़ा घर का सामान, सई केतन राव ने दी गंदी गंदी गालियां। उतरा लवकेश को मारने के लिए, सारा घर सई को रोकने के लिए उतरा, लेकिन सई नहीं आया काबू में। क्या हुआ है, कैसे हुआ है और किस तरीके से यहां पर बिग बॉस अब सई को बड़ी सजा सुना सकते हैं, पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। बिग बॉस ने घर वालों से आपसी सहमति से ये डिसाइड करने को बोला था कि आप लोग अरमान और नेजी में से किसी एक को चुनकर मुझे जल्दी से बताएं, वरना अगर आज कैप्टन नहीं बना तो मैं आप लोगों को राशन नहीं दूंगा। और ऐसे में यहां पर बार बार लवकेश ने ये कहा कि भाई जो डिसीजन लेना है जल्दी लो, और सही चाहता था कि सना सुल्तान किसी तरीके से पीछे हट जाए और वो ये कह दे कि वो नेजी को कैप्टन नहीं बना रही है। लेकिन लवकेश नहीं चाहता था कि किसी भी हाल में अरमान कैप्टन बने। फिर क्या था, यहाँ पर सई केतन राव ने गाली दे दी लवकेश को, लवकेश ने भी उसको माँ की गाली दे दी। उसके बाद सई केतन राव ने अपना आपा खो दिया, वो लवकेश को मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ गया। घर वालों ने उसको पीछे खींचा और यहाँ पर सई केतन राव ने गुस्से में आकर गंदी गंदी गालियां भी दी और उसने घर का सामान भी तोड़ा। जी हाँ, सई केतन राव घर वालों के संभालने में नहीं आ रहा था और वो ये कह रहा था कि मैं इसकी जान ले लूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, ये है क्या, ये मुझे जानता नहीं है, मैं बहुत दिनों से इसको इग्नोर कर रहा था लेकिन अब मेरी इग्नोर करने की क्षमता खत्म हो गई है और मैं इसे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अरमान मलिक ने उसको रोका और कहा कि देख रुक जा, तुझे पता है मैंने हाथ उठाया था और उसके लिए मैंने कितना सुना। लेकिन दोस्तों, सई केतन राव संभलने में ही नहीं आ रहा था और वो बार बार यही कह रहा था कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब उसने घर का ग्लास, घर की कुर्सी, घर के डेकोरेशन के पीसेस और भी ना जाने कितनी चीजों को जमीन में दे देकर मारा। यहाँ पर साफ है कि सई केतन राव बहुत गुस्से वाला है और उसका असली चेहरा घर में आज सामने आ गया है। आप क्या कहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।